कि जीरो का आविष्कार कौन किया था, चाणक्य कहा जन्म लिया था, आर्यभट्ट कहा जन्म लिया था। बिहार नाम से बदनाम होता है, अदर स्टेट में जाता है तो बोलते हैं कि एक बिहारी कहाँ से आया, ये इंसल्ट करता है। एक हिंदी में कहावत है ना कि एक बिहारी सौ पे भारी, तो सौ पे भारी एक्चुअली है ही। पुलिस का दौर, पुलिस का दौर कहाँ दौड़ होगा, क्या जिसका दौर का। नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक और वीडियो में। अभी इस वीडियो में मैं कुछ बात करने वाला हूँ, मैं कुछ दिखाने वाला हूँ। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं जैसे मैं हूं, अगर आप भी वैसा बिहार के रहने वाले हैं तो आपको ख़ुद को प्राउड फील होगा, ख़ुद पे आपको एक गर्व महसूस होगा कि हम भी बिहारी हैं। ऐसे तो आपने, आप सब ने देखा ही होगा कि बिहार के रहने वाले लोगों को किस तरह से बदनाम किया जाता है। और अगर हम लोग प्रदेश में, विदेश में कहीं भी रहते हैं तो हम लोगों को एक अलग नज़र से देखा जाता है, कहते हैं कि ये बिहारी है और बिहार का रहने वाला है। मतलब बिहारी कहने का मतलब ऐसा हो जाता है कि ये छोटा है, ये नीचा है, गरीब है, ठीक है, और बस यही मानना होता है। लेकिन अभी जो मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, ये वीडियो एक्चुअली मेरे बगल का है, आजमनगर के फील्ड का है। मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो डालना चाहिए, मैं वहाँ पर वीडियो शूट किया, फिर अभी मैं आपको वही वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अगर आप सच्चे बिहारी हैं कि यार चलो हम भी बिहारी, हम अपना शान से कह सकते हैं। तो बने रहिए लास्ट तक। पुलिस का दौर, पुलिस का दौर कहाँ दौड़ होगा, क्या जिसका दौर, कैसा दौर, बोलो समझेगा क्या जिसका दौर है। यहाँ पर खड़े हैं, अभी मैं जा रहा था मार्केट, फिर देखा कि यहाँ पर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो चल के देख लेते हैं कि प्रोग्राम किस तरह का हो रहा है। जिस बिहार के नाम पे नालंदा यूनिवर्सिटी जाना जाता है, जिस बिहार के एरिया में मगध साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य एशिया में था, जिस एरिया में गौतम बुद्ध, ह्यूमन सांग, कनिष्क, आर्यभट्ट का जैसा ब्राह्मण का जैसा आदमी यहाँ पर जन्म लिया था, उस स्टेट का मैं बासी हूँ। बोलिए तो तब जाके देखिए, प्राउड फील होगा आपको, प्राउड फील होगा। बोलिए ना, सबसे ज्यादा आईएसआईपी ऑफिसर किससे निकलता है, बोलेगा बिहारी निकलता है, ये तो डाटा है, डाटा तो कभी झूठ नहीं बोलेगा। तब अभी मैं मार्केट जा रहा था तो देखा कि यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है अभी कुछ, तो इसके बारे में तो मुझे प्रॉपर नहीं पता है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो मैं यहाँ के जो आवर स्कूल है, वहाँ के प्रिंसिपल है, मैं उनसे थोड़ा बात कर रहा हूँ, वो हमको बता रहे हैं कि आखिर यह चल क्या रहा है। अभी ये जो प्रोग्राम पीछे में स्टेज देख रहे हैं आप, रन ऑफ बिहार बोलते हैं एक्चुअली में है क्या, तो ये थोड़ा सर की जुबानी सुन लेते हैं। एक्चुअली बोलने से पहले ये बोलूंगा कि मेरा हिंदी थोड़ा सा टूटा मूटा जाएगा, लेकिन आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से। कि एक्चुअली ये है रांस ऑफ बिहार के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया, जो वैभव जी है यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर है और ये उन्हीं से मार्गदर्शन से ये काम चल रहा है। यहाँ पर मंगल सर भी है जो खुद ही एक बीएसएफ में जाने जाते हैं, आवर ओन स्कूल का डायरेक्टर है जो रियाज सर है, यहाँ पर वो भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम्स को। इस प्रोग्राम का महत्वपूर्ण यही बात है कि एक सिग्निफिकेंस है कि बिहार जो जो भी बच्चे लोग डिफेंस में बा आर्मीज में जाना चाहते हैं, एसएसबी बा बीएसएफ में, ये कैसे जाए और किस तरह से वो काम करे। और बहुत सारे है जो टैलेंटेड है लेकिन अपना पैसे के बलबूते से नहीं कर पाते हैं, बा कुछ फिनेंशियली प्रॉब्लम से नहीं कर पाते, बट टैलेंटेड है, तो वो भी यहाँ पर आके मंगल जी से मतलब संपर्क कर सकते हैं कि यस सर, आई वांट टू गो टू इन डिफेंस बट फाइनेंशियली आई एम नॉट सफिशिएंट, आई एम नॉट गुड टू अफोर्ड दिस, सो दे कैन हेल्प एंड इट बाय दिस प्रोग्राम दे वांट टू गिव दिस अवेयरनेस अमंग द पीपल हु वांट टू डू समथिंग फॉर सोशल, डू समथिंग सोशल मीन्स दैट इज डिफेंस और अदर्स एक्टिविटीज ऑल्सो। सो बाय दिस मैराथन रैली वी वांट टू गिव द awareness, we give up the knowledge, we have to give the, you know, what is the advice, I cannot say that, to the people who want to do this kind of work. This kind of work means to go to defense or like that. So what is the significance of to good fitness? Physical, what is the meaning of physical fitness? What is the most importance of this physical fitness? That by this program we want to give this kind of awareness among the people. Yehi kuch hai ki kaise hum log aage badh sakte Bihar, Bihar aage ja rahe hain. Haan, yehi kuch tha. तो सर मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जो अभी यहाँ पर भाग लिए, आपको थोड़ा बोलने का अपॉर्चुनिटी मिला, आप बोले, बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा लगा हमको, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो सर मैं पूछना चाहता हूँ उससे, आप कहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, मैं एक्चुअली जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के रहने वाला हूँ और मैं बिहार का नहीं हूँ, मैं
बंगाल का हूँ। मंगल जी बोल रहा था कि बिहार नाम से बदनाम होता है, अदर स्टेट में जाता है तो बोलते हैं कि एक बिहारी कहाँ से आया, ये इंसल्ट करता है। तो मैं एक आउटर साइड ऑफ बिहार के लिए एक भी कहना चाहता हूँ कि जब आप लोग इस तरह से माहौल को फेस करें तो एक ही बात पूछिए उनसे कि जीरो का आविष्कार कौन किया था, चाणक्य कहाँ जन्म लिया था, आर्यभट्ट कहाँ जन्म लिया था, नालंदा यूनिवर्सिटी जो पहले था वो कहाँ है, तो बोलेगा बिहारी है। सबसे ज्यादा आईपीएस आईएएस ऑफिसर आप आज के जमाने में कहाँ निकलते हैं, बिहार से निकलते हैं, तो आप कैसे बिहारी को एक इंसल्ट कर सकते हैं। एक हिंदी में कहावत है ना कि एक बिहारी सौपे भारी, तो सौपे भारी एक्चुअली है ही, ठीक है, एक्चुअली है ही, तो ये बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत आगे जाएगा। हाँ, मैं तो गर्वित हूँ कि एज बंगाल आई एम बंगाली एंड मुझे बहुत गर्व है कि बिहार जैसा स्टेट, बिहार जैसा पीपल यहाँ पर है। मैं बहुत साल से बिहार में हूँ, कोई भी नहीं है कि आप अगर कोई भी गाँव में चले जाइए, कोई भी एक घर में चले जाइए, आप अगर पानी मांगेंगे ना तो यहाँ पर तो पानी के साथ साथ आप कुछ ना कुछ गुड़ वगैरह बताशा वगैरह दे देंगे। तो ये रिवाज आप कहाँ देखेंगे, बिहार में देख रहे हैं ना, तो कहे आपको बिहार को आप इंसल्ट कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो बिहार को एक अपॉर्चुनिटी दीजिए, देखिए आपको आपके लिए वो क्या करता है, देश के लिए क्या करता है। तो मैं यही कहूंगा कि बिहार इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ अस एंड दे आर वी हैव टू मोटिवेट फ्रॉम दिस बिहारीज, दे एक्चुअली दे आर वेरी हार्ड वर्कर्स, बिहारीज आर वेरी हार्ड वर्कर्स। मैं यही कहूंगा, हमारे यहाँ से जितने भी बिहारी हैं सर, बिहारी जगह जगह पे जाके नाम रोशन कर रहे हैं, जरूर जरूर, हर जगह के आदमी ये बात मानते हैं कि बिहारी रोशन नाम करते हैं, लेकिन फिर भी बदनाम करते हैं। बदनाम बाई नेम है, मैं तो बोला था बाई नेम है, ठीक है, कुछ ना कुछ 10-12 आदमी को देख के करता है। लेकिन एक चीज बताइए आप, बिहार का सहनशीलता देखिए, अगर इसको आप एक रोड पे बोल दीजिए कि आज आपका घर नहीं है, आप यहाँ पर रह के सो जाइए, वहाँ पर सो के रात गुजर देगा। अगर बोलिए ये करना है आपको काम, ये छोटा काम भी करना है, छोटा काम भी अच्छे से कर लेंगे, तो कहाँ से बिहारी खराब हुआ भाई, बिल्कुल सही, बाकी पे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, ये तो अपना पूरे आप एक अदर स्टेट का, अदर स्टेट में खराब ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द अगर पीपल कहूंगा, अगर उसको बोलूंगा कि आप एक कुली बन के इधर के रहना है, वो नहीं कर पाएगा सर। लेकिन एक बिहारी को कुली से लेकर आईपीएस ऑफिसर तक वो आपका बिहारी मिल जाएगा, देन तभी तो सर बिहारी वर्ल्ड वाइड में जाके बसे हुए हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर एबिलिटी है इसीलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड में बिहारी देख रहे हैं, अदर्स में क्यों नहीं देख रहे हैं, ये तो एबिलिटी कैपेबिलिटी में होता है ना, एबिलिटी है इसलिए दैट्स व्हाई वी आर द पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, यस और नो, वी आर लिविंग देयर बिकॉज वी आर टेस्टिंग द पोटेंशियलिटी, दैट्स व्हाई वी आर हियर, यू डोंट हैव दैट्स व्हाई यू आर नॉट लुकिंग हियर एंड देयर, वी आर लुकिंग हियर एंड देयर, व्हाई व्हाई बिकॉज वी हैव दिस पोटेंशियल। संजय कुमार राय, एमबीए बिहारी, जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक महिला सशक्तिकरण का रूप भी देख सकते हैं, इतने लड़के में एकमात्र लड़की है इस मैराथन में, आप अपने आप को कितना तैयार पाते हैं इस ट्रांसपोर्ट बिहार के माध्यम से आप अनुभव कर पाएंगे। अब से कुछ ही देर के बाद हमारे जो मुख्य अतिथि के द्वारा फाइनल विजिल बजेगा और उसके बाद ये मैराथन यहाँ से दौड़ जाना है, कोई जबरदस्ती अपना फुल नहीं लगाएंगे, एनर्जी रिलैक्स मोड में दौड़ेंगे, ये मैराथन है, 1700 मीटर का एक्सीडेंट वाला नहीं है, मैराथन है, आराम से दौड़ेंगे, आराम से वापस आएंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे सर की तरफ। अच्छा, वहाँ पर जब आप पहुंचेंगे वहाँ आपको आदमी मिलेगा जो स्टिकर देगा आपको, उनसे स्टिकर लेके वापस आना है ताकि ये प्रूफ हो जाए कि आप वहां तक गए थे। क्लियर है, क्लियर है, आप वहाँ पहुंचेंगे आपको वहाँ पे टोकन मिलेगा, टोकन लेके वापस आना है, टोकन रेड कलर का टोकन है, व्हाइट कलर का साइन क्या हुआ उसमें है, बगैर टोकन का वापिस जो आएगा उसमें डिसाइड नहीं, थोड़ा सा रोड को ब्लॉक कर दीजिएगा राजू भैया, और अभी सर रेडी को करेंगे यहाँ से ब्लॉक कर जाएगा, ठीक है, पीछे पीछे एम्बुलेंस सर, सारे बच्चे निकल जाएंगे, आप उनके पीछे रहेंगे, जब वो वापस आएगा फिर उनके पीछे पीछे वापस आ जाएंगे। तो अभी रेडी का होगा, धक्का किसी को नहीं मारेंगे, रिलैक्स मोड में, जो पहले चोट लगाएंगे वो पक्का फेल हो जाएंगे, आराम से रहेंगे, मैराथन है, प्रेम से दौड़ना है, भय से दौड़ना है, हड़बड़ नहीं करना है, रेडी स्टडी गो, सभी आराम से दौड़ेंगे रिलैक्स मोड में, बिल्कुल आराम से, एम्बुलेंस पीछे पीछे, एम्बुलेंस चलो पीछे जाना, जल्दी चलो, सभी आराम से दौड़े, पीछे पीछे हम लोग आ रहे हैं, आगे टोकन मिलेगा, रास्ता कृपया ब्लॉक कर दें जो भी है वहाँ पे,